नमस्कार, मैं हूं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त चुका है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा, खीर भवानी मेला, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा और मचैल यात्रा के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। 29 जून से 19 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के साथ 14 जून से खीर भवानी मेला और 18 जुलाई से मचैल यात्रा शुरू होगी। तीर्थयात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और जम्मू प्रांत के 5 जिलों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नई आपराधिक न्याय प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा की। 1 जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साध्य विधेयक 2023 पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और ई कोर्ट्स का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। सभी 75 जिलों में फॉरेंसिक लैब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी और नए कानूनों के प्रचार प्रसार और पुलिस व जेल कर्मचारियों की विधिवत ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाएगा। दिल्ली के संसद भवन में एनडीए के नव निर्वाचित सांसदों की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पीएम मोदी का यह ऐतिहासिक जीत है और उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के लिए समर्थन जताया, जो वास्तविक लोकतंत्र का प्रतीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित ई नायडू मीडिया समूह के चेयरमैन और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का शनिवार तड़के निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दया कुमारी ने उनके निधन पर शोक जताया। रामोजी राव के नेतृत्व में ई नायडू मीडिया समूह के तेलुगु फिल्म और मीडिया जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उनके निधन पर कई प्रमुख हस्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री परिषदों के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। पीएम मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों और सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। IIM जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के नीट 2024 में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का भी अनुरोध किया है और पत्र में कहा गया है कि कई छात्रों को उनके OMR की तुलना में स्कोर कार्ड पर अलग अंक प्राप्त हुए हैं। 67 छात्रों का 720 में से 720 अंक प्राप्त करना भी अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि सामान्यतः इतने उच्च अंक केवल 3 से 4 छात्र ही प्राप्त करते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 8 जून को नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी और सपा कार्यकर्ता और नवनिर्वाचित सांसद अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए उत्साह से लबरेज सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। सपा प्रमुख ने सभी को जीत की बधाई दी और साथ ही सपा अब राज्यसभा चुनाव में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की तैयारी कर रही, जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ईडी की कार्यवाही को अवैध घोषित करते हुए उनकी जब्त संपत्ति लौटाने का आदेश दिया है। ईडी ने मुंबई स्थित सीजे हाउस में पटेल के फ्लैट्स को अटैच किया था, जिनकी कीमत 180 करोड़ रुपए है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थी और दोहरी कुर्की की आवश्यकता नहीं थी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने भाजपा और जनसेना पार्टी के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया है। पार्टी प्रमुख N. चंद्रबाबू नायडू 12 जून को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली IT पार्क में होगा। दिल्ली के नरेला स्थित श्याम कृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में शनिवार तड़के सुबह 3:30 आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 9 लोगों को रेस्क्यू किया और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच में गैस रिसाव को आग का कारण बताया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ।